But I think he's tall, you should sit down. Good evening, everybody. So, welcome to our every Friday session of Health Time. Newcomers, guests who have come for the first time, welcome them. So, today I wanted to share something special. Many of you have seen this photograph and many of you have met him in person. He is Swami Veda Bharati ji. Today, Today's topic is on Masters of Himalaya. And he is one of the greatest Masters of Himalaya. Recently, we have been on the Himalayas trip. We have been to Rishikesh. And those of you who have had the good fortune to meet him, we experienced meditation with him. And actually, before we met him, we had been to Haridwar. And in Haridwar, there was one research person, her name was Shirley Dennis. So she showed us her entire lab and what research was done. And then she mentioned that she had done one research on a Himalayan yogi who had gone in silence for many years, and after being in silence they studied his brainwave pattern and something very great they found. So hame bahut ichha ho gayi ki yogi ko milna chahiye jo itne samay silence mein reh ke unka kya energy field rahega. Phir hum Himalaya jab Rishikesh mein gaye tab Swami Rama ke ashram mein jane ka hame sahyog mila hua. और वहाँ पे स्वामी जी थे, वो हमको बताया गया कि 6 साल ये स्वामी जी मौन में रहे हैं और आज उनका बर्थडे है और आज के दिन वो मौन खोलेंगे, सबको मिलेंगे और सबके साथ ध्यान करेंगे. और वही दिन हमारा डेट पहले से वही डिसाइडेड था, हमें कुछ मालूम नहीं था. वही दिन हम वहाँ पे पहुंचे और उनके साथ मेडिटेशन किया. आप में से कई लोग थे साथ में जो अनुभव किया. 1.5 घंटा तक हम वहां बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे और द लव वाइब्रेशंस वर सो स्ट्रांग दैट इट वाज जस्ट अमेजिंग. एंड वन ऑफ अस हु वुड कम फ्रॉम सिंगापुर, ही वेंट इनटू सच अ ट्रांस ऑफ इन दैट वाइब्रेशन, इन दैट एनर्जी फील्ड. वो वापिस आके आंख खोल के उसको नॉर्मल बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही. गुरु जी गुरु माँ जब भी उनसे मिले, काश्मीर शैविज्म के बहुत बड़े विद्वान है स्वामी जी, तो गुरु माँ को बहुत समय से इच्छा थी कि उनके पास से ही काश्मीर शैविज्म सीखे. और तो उन्होंने जाके, उनको कुछ मालूम नहीं था तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा और वहां पर जो काश्मीर शैविज्म का जवाब उन्हें चाहिए था वो उन्होंने गुरु माँ को समझाया. फिर बाहर आए, फिर उन्होंने सबके साथ हाथ मिला के मिले, तो मैं भी उनको मिली और मैं बोला स्वामी जी आप शर्मी जी को पहचानते हैं? ओह यस यस, शी इज द वन हु हैज डन रिसर्च ऑन मी आफ्टर आई वाज इन साइलेंस.
then I got my answer. It is the same yogi जो साइलेंस में थे उनके ऊपर शर्ली टेलिस ने रिसर्च किया था. फिर वो सबसे इंडिविजुअली मिलको मिलके सबको एक एक मैसेज दिया. तो हमें बहुत लग रहा था कि इसके बाद हमें कभी उनको मिलना होगा, इनसे शायद कुछ सीखने को मिलेगा हमें. और इंटरनेशनल योगा डे था तब उन्होंने मैसेज भेजा था. हातिमा को मैसेज भेजते रहते, तो उन्होंने वो जो मैसेज भेज दिया था इतना सुंदर था, I would like to share with you. तो उन्होंने योगी की क्वालिटीज बताई थी इंटरनेशनल योगा डे पर. अ पर्सन शुड नो हु इज अ रियल योगी. तो बहुत सारी 179 क्वालिटीज है, उनमें की पांच क्वालिटीज उन्होंने बताई. अ पर्सन योगी जो है समंदर जैसा होता है. समंदर में क्या है, समंदर अपने आप में कचरा कभी नहीं रहता. समंदर में अगर कोई डूब गया, कोई डेड बॉडी हो गई, तो समंदर अपने पास नहीं रखता, उसको सरफेस पे लाके फेंक देगा. वैसे ही योगी ने अपने आप में कुछ भी कचरा नहीं रखता है, जो भी नेगेटिव है उसको सरफेस पे लाके फेंक देना. दूसरा योगी की समंदर की क्वालिटी क्या रहती है, उसमें जो मोती रहते हैं, मोती कभी सरफेस से नहीं दिखेंगे आपको, तो मोती डीप में रहेंगे, उसको छुपा के रखता है समंदर. मोती जो है उनके ट्रेजर जो है उसको छिपा के रखता है. वैसे ही योगी अपनी जो सिद्धियां है, अपने जो पावर है उसको छुपा के रखता है, उसको कभी एग्जिबिट नहीं करता. थर्ड क्वालिटी बताई कि समंदर में सारी जगह से नदियां, स्ट्रीम्स, झरने सब आके मिलते हैं, सब मिलने के बावजूद भी समंदर कभी छलकता नहीं. ऐसे ही योगी बहुत से लोगों को मिलता है, बहुत सारा ज्ञान यहाँ वहां से लेता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता, और भी समाने की उसमें क्षमता रहती है. चौथा क्वालिटी ये बताया कि कभी भी इतना सारा सब कुछ मिलने के बाद भी और ज्यादा लेने की इच्छा रहती है. और ज्यादा यानी हम लोग कभी कभी सोचते हैं अरे ये स्क्रिप्चर आ गया, हमने ये कैंप अटेंड कर लिया, ये सीख लिया, बस हो गया, अभी तो हो गया. तो ये योगी की क्वालिटी नहीं है. इसमें और कितना सारा नॉलेज है, हम और आगे आगे बहुत सीख सकते हैं. तो ये एक योगी की क्वालिटी है. और सब कुछ अपने पास होते हुए भी छलक नहीं जाना, अपना दिखावा नहीं करना, ये एक क्वालिटी है. तो ये सारी क्वालिटीज योगी में रहनी चाहिए. ये मैसेज जब मैंने सुना, उनका पढ़ा, तो मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया. फिर इस मंडे को गुरु माँ घर पे अकेले थे, तो उनको ऐसे इच्छा हुई कि भाई मैं हवन करती हूँ. और कोई अच्छा वैसा ओकेजन नहीं था, ऑस्पिशियस मुहूर्त नहीं था, फिर बस उनको अंदर से इच्छा हुई कि मुझे हवन करना है. और हवन में अखंड मंगलाकारम जो हम प्रार्थना बोलते हैं रोज, तो वो करने की इच्छा हुई. तो वो 11 टाइम्स उन्होंने चैंट किया, फिर गायत्री मंत्र 11 टाइम्स चैंट किया. और ये सब वो हमेशा नहीं करते, यूजुअली नहीं करते हैं, तो वो उन्होंने किया. फिर मेडिटेशन किया, और उसके बाद जब मेडिटेशन के बाद उठे, उनको मेल आया हुआ था, तो मेल में मैसेज आया था कि वेद भारती जी हैज लेफ्ट हिज बॉडी ऑन दैट डे एट 3 AM इन द मॉर्निंग, एंड हिज मैसेज वॉज दैट ही वॉन्टेड एवरीवेयर द लव वाइब्रेशंस टू स्प्रेड. सो ही गेव उनके जो डिसाइपल से, उन्होंने मैसेज दिया कि ही वॉन्ट्स to let everybody feel loved. That is what his wish is. And he has said, after he leaves his body, to pay your homage or respect to him, 5 times Gayatri Mantra, 5 times Akhanda Mandalakaram, and diyas jala ke rakhe, aur ye diye ke dwara, ye vibrations, sare universe mein spread hone chahiye. To see how when you are connected with the existence, to get this intuitive messages to do what is right at that moment. So when Guru Ma shared
India said in health bank, we must do this. So today we will do 5 times Akhanda Mangalakaram. We will do Gayatri Mantra 5 times. And we pay our homage to the one of the greatest master of the Himalayas. So that was the photograph when we attended the session with him. After the session, Prince Guruji and Guru Mahan gone to meet him. In his mere presence, you feel so much love and such a strong energy field. I feel we're really blessed to have met him just a few days before he left his body. Three times old chanting. Bhargo Devasya Dhimahi
Today's topic is a very special topic. Nita Dalal, we call her Mommy. She is going to talk on or rather share the wisdom of Masters of Himalaya. She'll be sharing with you stories of mystics and Masters of Himalaya. So we welcome Nita Dalal for today's topic. Good evening, everybody. Good evening. अभी आज first हम लोग ने जो प्रेयर किया अखंड मंडला कारण उसका मीनिंग समझेंगे. अखंड मंडलाकारम उसका जो मीनिंग है विच परवेट्स द एंटायर अनब्रोकन फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ क्रिएशन मूविंग एंड अनमूविंग चराचरम मतलब मूविंग एंड अनमूविंग सो दैट ब्यूटीफुल एंड बेनेवोलेंट गुरु थ्रू होम द स्टेट वॉज रिवील्ड टू मी सैल्यूटेशन टू दैट गुरु. इसका मीनिंग ये है. और आज जो हम स्टोरी और इसके बारे में जो बात कर रहे हैं तो स्वामी वेदव्यासी के भी गुरु स्वामी राम की बात करेंगे जो हिमालय में रह के बहुत सारे मास्टर्स को मिले और उनका ग्रोथ कैसे रहा उनका लर्निंग कैसे हुआ वो सब बात में जानेंगे. तो जो उन्होंने लिखा है और जो बताया वही ज्यादा हम करेंगे. उन्होंने हिमालय के बारे में बताया कि हिम मतलब आइस स्नो आलय मतलब घर हिमालय मतलब स्नो का घर. पर वो खाली स्नो का घर नहीं है बहुत सारे पर्वत है जहाँ स्नो है पर हिमालय का मीनिंग कुछ और है. हिमालय मीन्स हिमालय मीन्स स्नो एंड आलय मीन्स होम. हिमालय मीन्स होम ऑफ स्नो बट इट इज नॉट merely the home of snow, but that they have also been a strong hold of yogis, wisdom and spirituality for millions of people. This ancient and rich tradition still exists there today as these unique mountains continue to whisper their spiritual glory to all who have an ear to hear. मतलब जो समझते हैं उनको बड़ा vibrations मिलते हैं और वो बताते हैं कि हिमालय की मॉर्निंग इतनी ब्यूटीफुल है. सुबह का जो सनरेज है सिल्वर पूरा ये कलर हो जाता है. दोपहर का कलर येलो रहता है और इवनिंग का कलर रेड या ऑरेंज हो जाता है. और वहाँ के पक्षी वहाँ की नदी वहाँ का जो आवाज़ है वो तुम सुबह में खाली बैठोगे तो कोई भी ऑटोमेटिक मेडिटेटिव इसमें चला जाता है. इतना सुंदर उसका वातावरण है. इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है हिमालयाज आर माय स्पिरिचुअल पेरेंट एंड लिविंग देयर वाज लिविंग इन द लैप ऑफ माय मदर. और वो वही जानता है जिसको लव फॉर नेचर होता है. और लव फॉर नेचर इज लव फॉर क्रिएचर एंड लव फॉर द होल. और वहाँ का जो म्यूजिक है नेचर का व्हेन वन लर्न्स टू हियर द म्यूजिक ऑफ नेचर and appreciate her beauty, then his soul moves in harmony with its entire environment. The mind of the man should be trained to love
nature before he looks through the corridor of life. वो बताते हैं कि कोई भी बच्चा जिंदगी के ये दुनियादारी में आता है उसके पहले उसको नेचर से लव सीखने का समझाना चाहिए तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है. दिस सोल वाइब्रेटिंग एक्सपीरियंस इन इट्स फुल हार्मनी विद द परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा ऑफ मेलोडियस एंड इकोस रिफ्लेक्ट फ्रॉम द साउंड ऑफ द रिपल्स ऑफ द गंजेस द गशिंग ऑफ द विंड द रस्टिंग ऑफ व्हील्स एंड रोर ऑफ थंडरिंग क्लाउड्स. The light of the self is revealed and all the obstacles are removed and in the depth of silence is hidden source of love. अभी उनके स्वामी राम के बारे में बताते हैं. स्वामी राम उनके जो पिताजी थे वो बहुत स्पिरिचुअल रहे थे और एक बार घर से निकल गए थे. वो नॉर्थ में रहते थे और घर से 6-7 महीने तक दूर रहे तो घर वालों की लगा कि वो कहीं तो अभी क्या हुआ होगा मालूम. और वो टाइम पे ऐसा कुछ कम्युनिकेशन का ये था ही नहीं तो घर से चला जाता है बहुत दिन से नहीं आता है लौटता तो समझते हैं कि कुछ तो हुआ होगा. तो उनकी वाइफ ने भी ऐसा समझा और वो अपने ऑस्टेरिटी में लाइफ जीने लगी. और ये जो थे वो हरिद्वार के पास मनसा मंदिर है मनसा देवी मंदिर सबको मालूम होगा उसका. तो वो जो पहाड़ी है उधर वो ध्यान करने चले गए थे और वहाँ जो स्वामी राम के गुरु थे वो गुरु वहाँ से पास हो रहे थे और ये दो मिले और दोनों का ऐसा लगा कि ये उनके डिसाइपल है और इनको भी लगा कि ये ही मेरे गुरु है. तो उन्होंने बताया समझाया उसको और फिर उनको घर जाने के लिए 7 दिन उनके साथ रहे फिर बोला कि आप अभी घर पे जाओ. और घर पे जाके उसको उन्होंने वाइफ को बताया कि आई एम कि मैं तो 7 साल का हूँ और यू आर ऑफ एज ऑफ 43 बट वी डोंट नो. स्वामी जी ने बोला है कि हमको कोई बच्चा होगा तो उनकी शायद कृपा होगी. तो और 2 साल के बाद वापस हम ये जो गुरु जी थे उनके घर पे पहुंच गए और उन्होंने वापस आशीर्वाद दिया कि 17 महीने के बाद आपके घर में बच्चा होगा पर आप मुझे प्रॉमिस दो कि वो बच्चा आप मुझे देना. तो ये दोनों ने हाँ बोला और 18 महीने के बाद वापस वो पहुंच गए जब भी उनका बर्थ हुआ और उनको हाथ में लेके उनके कान में कुछ मंत्र दिया और बोला मैं वापस आऊंगा और मैं आप उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना. जब वो 3 साल के हुए तभी वो वापस आए और उनके कान में कुछ मंत्र बोला तो बोले स्वामी राम बोले अरे उनके गुरु बोले थे स्वामी राम बोले हाँ मुझे तो ये मालूम है करके. तो उन्होंने भी पता है कि हाँ मुझे भी मालूम है खाली मैं चेक करता हूँ कि तू वही है ना. मतलब उनको मालूम था ये कौन सा आत्मा आने वाला है अंदर और उनकी मदर जो थी नेचुरली मदर तो बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी पर थोड़े साल के बाद उनके पेरेंट्स चल बसे तो गुरु उनके गुरु आकर उनको लेके गए स्वामी राम को. और फिर स्वामी राम का फिर पूरा लाइफ 45 ईयर्स तक तो वो हिमालय में ही थे और अलग अलग जगह घूमे और सब अलग अलग गुरु से मिले और अलग गुरु से उन्होंने सब सीखा और वो अपने गुरु से भी इतने अटैच थे उनको लगता नहीं था ये मेरे गुरु है और उनके साथ ऐसे झगड़ते थे जैसे कोई बच्चा अपने पिता से झगड़ता है और इतना मजा आता है उनकी सब बातें सुनने का. तो उनके गुरु भी कभी कभी उनसे थक जाते थे पर वो समझते थे और उनके पास उनके लिए इतना प्यार था कि वो उनकी सब बातें मानते थे और चला लेते थे. तभी उनकी सब अलग अलग बातें सुनेंगे. अभी एक बार स्वामी राम मतलब कैसे कैसे उनको सिखाया गुरु ने. एक बार स्वामी राम खाना खाने बैठे तो उनको दिन में एक ही बार खाते थे और खाली एक चपाती थोड़ा दूध और थोड़ा भाजी ऐसा ही वो खाते थे. और वही टाइम पे कोई स्वामी आ गए तो उनके गुरु ने बोला कि तेरी जो ये खाना है तो वो तू गुरु को और जो स्वामी आए उनको ऑफर कर लव से ऑफर करे. तो
तो ये बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, गुरु को अपने बोलते हैं मैं ये खाना नहीं दूंगा, मैं भूखा हूँ, मैं किसी को मेरा खाना नहीं दूंगा। तो भी गुरु उनके बोलते हैं कि नहीं मैं तुझे बोलता हूँ तू स्वामी को खाना दे दे। तो बोले मैं क्यों खाना दूं, मैं खुद भूखा हूँ, मैं लव से उनको खाना नहीं दे सकता। तो फिर उनके गुरु ने डांट दी कि मैं तुझे कहता हूँ तू और प्यार से देना खाना। फिर उन्होंने वो स्वामी को अपना खाना दे दिया, पर वो स्वामी भी बहुत, फिर उनको मालूम पड़ा कि ये स्वामी तो 4 दिन से भूखे थे, फिर भी वो स्वामी ने उसको आशीर्वाद दिया कि अभी जिंदगी में तू भी खाना खा देखेगा फिर ही तुझे भूख लगेगी, तब तक तुझे भूख ही नहीं लगेगी। तो वो उनके लिए एक बुन हो गया और वो बाद में उनको बहुत काम में आई वो चीज। तो इसके बारे में स्वामी राम बताते कि देयर इज अ नैरो बैरियर बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फलेसनेस। मतलब मेरा कहना है मैं कि सेल्फिशनेस आ गया, पर सेल्फलेसनेस से जो देते हैं तो देयर इज अ नैरो बैरियर बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फलेसनेस। लव एंड हेट्रेड ऑल द रिचुअल्स एंड नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल्स आर इन वेन इफ एक्शंस आर परफॉर्म विदाउट सेल्फलेसनेस। तो ये उनका लेसन था कि कुछ भी करो तुम्हारा ये सब स्पिरिचुअल सब नॉलेज निकम है, अगर तुम सेल्फिशनेस से कुछ कार्य करते हो तो ये सब तुम्हारा नॉलेज का क्या काम है। ऐसे ही एक बार उनके गुरु के पास बहुत ऐसे लोग आते थे, स्टूडेंट हमें स्टूडेंट बनाइए, हमको सिखाइए, हमको आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। तो स्वामी उनके गुरु और वो लोग गए थे तुम भद्रा रिवर और तभी उससे फ्लड आए थे। तो गुरु भी टेस्ट लेते हैं ना, तो गुरु ने बोला एक शिष्य को ये तो सब आप लोग बोलते हैं ना हम आप जो भी कहोगे करेंगे तो ये नदी में जंप लगाओ और तैर के आ जाओ। तो वो बोलता है नहीं मुझे दूसरा कुछ काम है मैं जाता हूँ। फिर दूसरे स्टूडेंट को बोला तू जम्मा, तो बोलते मुझे तैरना ही नहीं आता। तो फिर स्वामी राम को बोला तो स्वामी राम कुछ सोचे बगैर सीधा जंप मारा पानी में और तैर के आ गए और थक गए। तो बोलते मैंने वो टाइम पे तैरना छोड़ के खाली ऐसा साइलेंस में मैं सोया रहा तो मेरा थकान उतर गया, पर उन्होंने पूरा रिवर क्रॉस किया आ गए। तभी गुरु ने बोला तुझे डर नहीं लगा? तो बोले कि नहीं, जब भी आप है तो मुझे क्या डर है, मैंने पूरा आपके पर भरोसा छोड़ के मैंने जंप मारा था। तो कभी भी ये सब स्पिरिचुअलिटी में एक तो गुरु पर विश्वास होना चाहिए और एकदम डिटर्मिनेशन, फेथ एंड डिटर्मिनेशन, वो लेसन था कि फेथ एंड डिटर्मिनेशन दिस टू आर द एसेंशियल रंग्स ऑन द लेडर ऑफ एनलाइटनमेंट। जब तक हम लोग को गुरु पर पूरा विश्वास नहीं आएगा, बार बार हम लोग उनके बारे में ऐसा बीच बीच में सोचेंगे कि ये सही है कि नहीं है, तो विश्वास अपना डग मगा जाता है तो भी एनलाइटनमेंट में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ये स्वामी राम देखते थे कि बहुत सारे लोग आते हैं और अपने गुरु को सब ऑफरिंग्स देते हैं, क्या क्या चीजें देते हैं, और स्वामी राम तो उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। वो बोले मेरे पास तो फ्रूट्स लाने के भी पैसे नहीं है तो मैं गुरु को क्या ऑफर करूं। तो उन्होंने सामने गुरु तो ही पूछ लिया कि मैं आपको क्या ऑफर करूं। तो गुरु ने बोला कि कुछ नहीं, तू मुझे थोड़ा ड्राई स्टिक्स मतलब सूखी लकड़ी वो दे दे। तो इन्होंने बोला ये इतना इंटेलिजेंट आदमी और अभी उस होश में है कि नहीं, मुझे ऐसा बोलते हैं कि खाली ड्राई स्टिक लेके आ। तो फिर भी उन्होंने सोचा कि अभी गुरु ने बोला है तो मैं वो ही लेके आता हूँ। तो उन्होंने ड्राई स्टिक्स ला के ऑफर किया, तभी गुरु बहुत खुश हुए और उसके पीछे का उन्होंने राज बताया कि सभी कोई गुरु को ड्राई स्टिक कभी ऑफर करता है कि व्हेन यू ऑफर अ बंडल ऑफ ड्राई स्टिक्स टू अ गुरु ही अंडरस्टैंड्स दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू ट्रेड द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। इट मींस प्लीज रिलीव मी फ्रॉम माय पास्ट एंड बर्न ऑल माय नेगेटिव थिंकिंग इन द फायर ऑफ नॉलेज एंड And his guru said, I will burn this dry sticks so that your past karmas
do not affect your future. Now I am giving you a new life. Do not live into the past. Live here and now and start treading the path of life. So ये गुरु उनको ऐसे सब एक एक लेसन देते थे फिर ऐसे ही एक स्वामी राम अपने गुरु जब भी रूपा में ये करते थे उनके गुरु ज्यादा बात नहीं करते थे ज्यादा करके रूपा में ही अपना और मोस्टली साइलेंस में ही रहते थे और स्वामी राम उनकी देख रेख करते थे तो एक बार एक प्रिंस वहाँ का कोई था और उनके सब आदमी वो लोग उधर से पास हो रहे थे तो उन्होंने देखा ये कोई गुरु की गुफा है तो उन्होंने जाके स्वामी राम को बोला मैं यहाँ का प्रिंस हूँ मुझे आपके स्वामी को मिलना है तो ये तो एकदम ये थे मैं किसी को मिलने नहीं दूंगा आपको यू कैन गो एकदम जैसे प्रिंस से बोल रहा था ऐसा ही उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया तो बोले ये प्रिंस है तो आई डोंट केयर जो भी हो तो वो लोग चले गए फिर ऐसा दो तीन बार आके गए ये लोग फिर प्रिंस को समझ में आया कि मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए मैं उसके साथ अच्छी तरह से बात करूंगा तो शायद मुझे वो अलाउ करेगा तो फिर वो एक बार ऐसा प्रिपेयर होके आया और रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके गुरु से मिलना है अगर आप तो फिर वो उनको लेके गए अपने गुरु के पास पर उसके पहले वो गुरु से बात करते थे कि आप किसी को क्यों नहीं मिलने देते हैं ऐसा क्यों बोलते क्या जरूरत है मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं कुछ सिखाऊंगा वो कोई सीखने वाला नहीं है तो मैं मुझे ये सब चीज की जरूरत नहीं है मिलने की फिर भी वो प्रिंस को लेके गए तो प्रिंस ने उसको ऐसा ऐसे पूछा कि पोलाइटली यू मस्ट बी फीलिंग लोनसम तो उनके गुरु हंसने लगे बोले कि अभी तक नहीं था पर आप आए तो आई एम फीलिंग लोनसम मतलब आई वॉज हैप्पी इन माई सेल्फ तो वो बताते हैं कि लोनली पर्सन इज वन हु इज नॉट अवेयर ऑफ द कंप्लीट फुलनेस विद इन जो अकेलापन तो कौन महसूस करता है जो अंदर से खाली है जो अंदर से भरा हुआ उसको किसी की जरूरत ही नहीं है द होल सर्च फॉर एनलाइटनमेंट इज टू सीक विद इन टू बिकम अवेयर दैट यू आर कंप्लीट एंड यू इन योर सेल्फ तो वो जो बोलते हैं सर यू सीम टू बी लोनसम सो मास्टर सेड यस बिकॉज यू हैव कम बिफोर यू केम आई वाज एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ माय फ्रेंड विद हिम नाउ दैट यू हैव कम आई एम लोनसम हाईएस्ट ऑफ ऑल द कंपनी इज रियल सेल्फ दोज हु लर्न टू एंजॉय द रियल सेल्फ विद हिम आर नेवर लोनली बीइंग अलोन हैप्पीली मीन्स एंजॉयिंग द company a constant company the constant awareness of the reality फिर एक बार स्वामी राम गुरु जी से पूछते हैं कि ignorance क्या है माया क्या है तो उनके गुरु बोलते हैं कि मैं तुझे कल बताऊंगा माया क्या है तो पूरी रात ऐसा क्या कल मुझे मालूम पड़ेगा कि माया क्या है तो गुरु जी उनको लेके सुबह में वॉकिंग के लिए गए तो रास्ते में वापस आते आते एक पेड़ था तो गुरु उनको जो पकड़ के ये रहे और बोलते मुझे छुड़ाओ तो स्वामी राम भी एकदम ये गए कि अरे कितना टाइट पकड़ के रखा है तो अभी कैसे तो वो सोचे कि अगर मैं खींचने जाऊंगा तो मैं भी उसके साथ चिपक जाऊंगा तो वो मैं नहीं करूंगा ऐसा फिर एकदम ख्याल आया कि अरे झाड़ का कोई ऐसे थोड़ी ना उसको पकड़ के रख सकता है उन्होंने ही पकड़ के रखा है तो वो स्वामी राम हंसने लगे बोले गुरु जी आपने ही तो पकड़ के रखा है तभी उनके गुरु ने बताया कि यही इग्नोरेंस है और ये कॉस्मिक इग्नोरेंस इज माया और ये जो है सेल्फ इग्नोरेंस है तो माया इल्यूजन अविद्या मीन्स इंडिविजुअल इग्नोरेंस While Maya is both individual and cosmic illusion. Ma means no and Ya means that, which is not in existence, still we feel that it is existing. So, attachment or love ka bhi aisa hi hai.
हम लोग लव उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि किसी को पकड़ के रखना है वो अटैचमेंट है, जब पूरा सबको जब हम लव करने लगते हैं तो वो अटैचमेंट नहीं है। फिर एक बार ऐसे ही सब उनके पास आते हैं तो बोलते हैं हमको कुछ आप ये दो मंत्र दो या कुछ ऐसा दो कि हम उसको अब्दव करें। तो उनके गुरु ने स्वामी राम को बोला तो दे दे कोई मंत्र इसको। तो स्वामी राम बोलते एक पुलिस दूसरे पुलिस को क्या ये दे सकता है, आप ही दे दीजिए कुछ मंत्र। फिर वो गुरु ने दिया वो आदमी को मंत्र कि यू ऑब्जर्व ट्रुथ फॉर से लाइफ टिल 3 months, तुम 3 महीने तक झूठ नहीं बोलने का ऐसा निश्चय करो। और वो आदमी था रेलवे का कोई डिपार्टमेंट में और वहाँ उतना ये चलता था भ्रष्टाचार कि कोई झूठ बोले वगैरह रह नहीं सकता था। पर जब भी उसने प्रॉमिस किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो उसने जैसे ये चालू किया तो तभी उसके कोई सुपरवाइजर आए डिपार्टमेंट में और पूरा ऐसा सब ये बात पड़ा कि इधर सब भ्रष्टाचार चल रहा है और बहुत लोग उसमें मिले जुले थे। तो इन्होंने सब सच बताया तो उनके जो साथी थे वो लोग सब उससे गुस्सा हो गए और वो सबने उसको ही गुनहगार ठहराया। तो फिर उन्होंने झूठ का साथ सत का साथ नहीं छोड़ा, उनकी वाइफ उनको घर छोड़ के चली गई, उनके बच्चे सब चले गए, फिर भी उसने बोला कि नहीं मैं झूठ तो नहीं बोल। फिर उनका केस भी चला कोर्ट में, जेल में थे। तो ये शायद स्वामी राम और गुरु किधर तो आराम कर रहे थे तो गुरु एकदम हंसने लगे। तो स्वामी राम ने बोला क्या हुआ, तो बोलता है वो बेचारा जो मुझसे वचन लिया था सत्य का वो अभी जेल में छोड़ रहा करके। फिर इधर इसका झूठ नहीं बोलने का एक था तो कोर्ट में जब भी केस चला तो उसने सब बताया कि मैं झूठ बोलता था, मैंने ये किया है, पर मैं अभी ये सच बताता हूँ क्योंकि मैंने गुरु से प्रॉमिस किया है। तभी जज उनके हैरान हो गए, बोलते कौन सा तेरे गुरु है। तो उनको प्राइवेटली बुला के पूछा कि कौन है तेरे गुरु, तो इसने बताया कि ये मेरे गुरु थे। तो जज के भी वही गुरु थे तो बोले कि चिंता मत कर जो भी होगा हम देखेंगे करके। तो उन्होंने सब सहन किया जो भी आया। फिर 3 महीने के बाद इनका जैसे ही वो 3 महीने खत्म हुए और वो ऐसे ही बैठे थे और उनको मैसेज आया कि उनके पिता की कोई प्रोविंस में प्रॉपर्टी थी बहुत और गवर्नमेंट ने वो ले ली थी, उसका 1 million rupees मतलब 1 billion rupees उसको मिला है उसको मिला। तो उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था और ये ट्रुथ बोलने का इनको ये बल मिला। फिर उसने अपने बेटे और वाइफ को सब दे दिया कि आप लोग ये करो। तो ये लोग बोले हम वापस आना चाहते हैं। तो उस आदमी ने बोला नहीं अभी मैंने 3 महीना खाली ट्रुथ ऑब्जर्व किया, आई वांट टू ऑब्जर्व ट्रुथ थ्रू आउट द लाइफ, तो आप आपके हिसाब से रहो, मैं अकेला रहूंगा। तो ये उसका सच बोलने का फायदा। तो ट्रुथ बिटर ट्रुथ वन पर्सन वो Truth is the ultimate goal of human life. It is practiced with mind, speech and action. The goal can be reached. मतलब truth mind, speech और action सब में होना चाहिए। ऐसे ही फिर स्वामी राम अड़ जाते थे कभी कभी तो उनको लगा कि ये गुरु बराबर नहीं है। कभी कभी वो गुरु को ही बोल देते थे आप बराबर नहीं है, आपसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु है, मैं उनके पास चला जाऊंगा। तो स्वामी राम उनके गुरु भी बोलते थे ठीक है तुझे जहाँ भी अच्छा लगे तू जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही वो एक बार बोल रहे कि आप चीटिंग कर रहे हैं मेरे से, आप मुझे गॉड का तो कभी बता ही नहीं, अपने ईश्वर का तो आपने मुझे कभी साक्षात्कार करा ही नहीं। तो उनके गुरु ने बोला ठीक है कल तुझे मैं भगवान बताता हूँ। तो दूसरे दिन वो ऐसे पूरी रात सोए नहीं,
सुबह में उठ के नया भी नहीं स्नान किया, अभी तो भगवान मिलने वाले, अभी नहाने की क्या जरूरत है। तो सुबह में ऐसे ही बाल बाल बना दिया और गाल ऐसे सब सफा के गुरु के पास खड़े हो गए। तो गुरु ने बोला आप दस दस बार ऐसा प्रणाम करते हैं गुरु, तो गुरु भी उसको बोलने लगे कि आज क्या फनी ये कर रहा है तू, तू तो कभी ऐसा करता नहीं। तो बोलते आप भूल गए मुझे भगवान बताने वाले थे आप। तो गुरु ने बोला हाँ मैं तुझे भगवान तो दिखाऊंगा। तो बोले तुझे कौन से टाइप के भगवान देखने हैं। तो स्वामी राम सोचने लगे कि टाइप भगवान के कोई टाइप्स होते हैं। तो बोलते हैं हाँ किसी को ऐसा भगवान दिखता है, मैं तुझे बोलूं कि इसमें भगवान है तो तू बोलेगा नहीं, मैं तुझे बोलूंगा कि तेरे में भगवान है तो तू बोलेगा ये भी गलत है, मैं किसी और को बताऊंगा तो इससे अच्छा है तू मुझे बता दे कि तुझे कौन से टाइप के भगवान देखने हैं। तो स्वामी राम ने बोला देन आई विल थिंक, क्योंकि वो तेरी थिंकिंग की रेंज में नहीं है, अच्छा है तो थोड़ा टाइम मेडिटेशन कर और ठीक तरह से मुझे बता दे कि किस टाइप के भगवान देखना है। तो फिर वो मेडिटेशन में चले गए तो उनको ध्यान में आया कि एनिमल किंगडम में तो कोई ऐसा नहीं है, ना तो कोई वेजिटेरियन किंगडम में, ना तो ह्यूमन है इसमें कोई है, और इससे ऊपर तो वो कुछ देख नहीं पाते। तो फिर सोचते सोचते लगा कि नहीं ये तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। फिर वो इनके पास गुरु के पास जाते और वो बोलते हैं कि प्लीज शो मी दैट गॉड हु कैन फ्री अस ऑफ मिजरी एंड हु कैन गिव अस हैप्पीनेस। तो उनके गुरु ने बोला तो वो तो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ट्रैंक्विलिटी Which you must cultivate for yourself. मतलब भगवान तो ही ढूंढना है, कोई तुम्हें बता नहीं सकता यार, भगवान दिखेगा नहीं, यू विल रियलाइज द गॉड। सो मेकिंग इम्प्रॉपर डिमांड फ्रॉम टीचर टू शो गॉड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम विदिन, बेटर ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम विदिन, गॉड इज विद इन यू एंड दैट विच इज विद इन यू इज सब्जेक्ट टू सेल्फ रियलाइजेशन। नो वन कैन शो गॉड टू एनी वन एल्स, one has to independently realize his real self, thereby he realizes the self of all which is called God. फिर ऐसे ही वो एक बार उनके फ्रेंड के साथ 90 साल के कोई इसमें साथ में थे, उनके ब्रदर स्वामी जो रहते ना उनके साथ, तो बहुत ठंड थी और वहाँ के सब एप्पल ऑर्चर्ड रहती है, तो वो लोग को ये करना था फायर। तो वहाँ इधर इधर किधर ऐसे नहीं कर सकते फायर, नहीं तो फॉरेस्ट के ऑफिसर उनको पकड़ लेते। तो उन्होंने एक ऑर्चर्ड में जाके ऐसा धुनी ये किया, तो वो ऑर्चर्ड का जो ये था ओनर वो बहुत ही कंजूस था, वो नीचे पड़ा हुआ एप्पल भी किसी को नहीं देता था। तो उसने देखा कि कोई तो इधर ये कर रहा है, तो उसने अपने पांच आदमियों को भेजा और बोला कि ये लोग तो भगाओ इधर से। तो पांच आदमी जब ही नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि ये तो ये दो योगी हैं, तो वो लोग चले गए। फिर 3 महीने के बाद वो अपने गुरु के पास गए, तो गुरु ने बोला कि तू मुझे बार बार बहुत डिफिकल्टीज में डाल देता है। तो बोले मैंने क्या किया। तो गुरु ने बोला कि तू किसी की प्रॉपर्टी में जाके ऐसा सब करता है, वो बराबर नहीं है। तो स्वामी राम बोलते हैं कि ये जो गॉड की सेवा करता है उसको सब अलाउड है, वो किधर भी जाके कुछ भी कर सकता है। वो बोलते हैं ऑल थिंग्स बिलोंग टू गॉड, दे कैन बी यूज्ड बाय दोस हु आर इन द सर्विस ऑफ गॉड। मतलब ये सब भगवान का ही है और हम लोग भी ये सब कर सकते हैं। सभी उनके गुरु ने बताया कि तू अपनी सब को बराबर समझा नहीं है, तू तेरे मन के हिसाब से सब मीनिंग मार्क निकाल। उसने बोला कि ये तीन चीज तो समझ, सी द अल्टीमेट रियलिटी एज ऑल परवेसिव थ्रू आउट द यूनिवर्स, डू नॉट बी अटैच टू द प्लेजर्स रिसीव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रीट देम एज मीन्स फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड डू नॉट कोवेट एनीवन प्रॉपर्टी वुमन और वेल्थ। और उन्होंने बाद में थ्रेटनिंग भी दिया, ही सेड डोंट यू रिमेम्बर दिस सेइंग ऑफ द उपनिषद, इन द फ्यूचर इफ यू कमिट एनी सोशल क्राइम
and disturb the householders, I will not talk to you anymore. और बहुत बार स्वामी जी को ऐसा गुरु जी बोलता थे देखिए मैं तो उनसे बात नहीं करूंगा, तो वो बोलते थे कि ऐसे भी गुरु जी बहुत शांत थे और साइलेंस में रहते थे, पर वो मौन उनका बहुत अलग था जो उनको अंदर से काटता था। और ऐसे ही फिर स्वामी उनको बताते भी थे कि गुरु जी मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ, मैं बार बार आपको ऐसे हरकतें करता हूँ, तो उनके गुरु बोलते हैं कि वो तू इनकी चिंता मत कर, तू मेरे कर्म कि मुझे तू मिला है, मैं मेरे कर्म काटूंगा। तो स्वामी राम बताते हैं कि व्हेनेवर ही बिकम इगोस्टिकल ही फेल डाउन, हिज मास्टर सेड ट्राई योर बेस्ट बट व्हाटएवर यू फीड योर ईगो व्हेनेवर यू ट्राई टू डू एनीथिंग सेल्फिश यू विल नॉट सक्सेस, दिस इज माय कर्स ऑन यू। तो स्वामी राम डर गए कि ऐसे कर्स क्यों दे रहे, देन ही कंटिन्यूड दिस इज माय ब्लेसिंग टू यू दैट व्हेनेवर यू वांट टू बिकम सेल्फलेस लविंग एंड विदाउट ईगो यू विल फाइंड अ ग्रेट फोर्स बिहाइंड यू एंड यू विल नेवर फेल टू अचीव सम गुड। The shortest cut to self-enlightenment is to cut through the ego. Surrender before the highest one. But the purified ego is a means in discriminating real self from non-self, real self from mere self. No one can expand his consciousness if he remains egoistical. Those who are selfless, humble and loving are the true benefactors of humanity. इसके लिए वो बताते हैं इनके ईगो के बारे में कि एक बार ऐसे वो स्वामी जी की भी ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग में थे तो भी उनको लगता था कि मैं स्वामी बन गया हूँ, तो उनके गुरु ने उनको बोला था, वो गुरु को मिलने के लिए जा रहे थे तो बोलते थे रास्ते में एक गुरु है उनके पास तू जाके आना, तो स्वामी राम गए उधर, तो वहाँ उनके गुरु का सत्संग चल रहा था, तो स्वामी राम ने कहा कि उन्होंने सोचा मुझे पास में बुलाएंगे, मुझे उनके पास बिठाएंगे, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो उन्होंने सामने से बोला कि आपके ये जो ये चटाई है जरा ज्यादा खोल दो, मैं आपके पास बैठना चाहता हूँ। वो उनका ही को था तो उनको बराबर ऐसा ही जवाब मिला। वो जो स्वामी से करना प्रयाग में थे और प्रभात उनका नाम था, तो उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया और उन्होंने डायलॉग कोट किया जो राम भगवान ने हनुमान को योग वशिष्ठ में, वो डायलॉग है कि एटर्नली वी आर वन एंड द सेम बट ह्यूमन बीइंग यू आर स्टिल द सर्वेंट एंड आई एम योर मास्टर। तो भले हम लोग एक है पर भी तो तू मेरा। The modern man tries to have the position of a master without attaining anything. बाद में उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक रिच आदमी था और ऐसे ही सब लोग किसी गुरु के इसमें गए थे सेवा में, तो सब लोग सब काम करते थे पर इसको वो काम नहीं करना था, तो डायरेक्टली गुरु को बताते कि मैं ये सब नहीं करूँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं। The master said, no, you will be hurting yourself and hurting others. You have to understand from the very beginning that the spiritual path can tolerate everything but ego. ये तुम्हारा ego बढ़ाएगा। So ego places a veil between the aspirant and the process of learning. When one becomes egocentric, he isolates himself and thus is not able to communicate with his teacher and conscience. And doesn't follow the instructions of the teachers. Such an ego needs immense austerities and modifications without which all knowledge drains away.
यही हमारे गुरु जी भी बताते हैं कि जिसको ईगो आ जाता है फिर उनका ये चला जाता है जो नॉलेज है, इसके लिए वो हमेशा बताते हैं कि हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो फिर उसकी उसमें। तो आज इतना ही बता दी। स्वामी रामा की ये जो सब हमने सुनी, तो स्वामी रामा जब गॉड एनलाइटन, उसके बाद उनको इतनी सारी सिद्धियां मिली, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर एंड ही वॉज अ मास्टर जो फर्स्ट टाइम उसने अपने आप पे रिसर्च करने दिया। तो अमेरिका में गए थे, वहां पे उनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उनके ऊपर रिसर्च किया। तो एक बुक है जो स्वामी वेदाजी ने लिखा हुआ है, योगी इन द लैब, उसमें एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्वामी रामा ने कहा कि मैं मेरी इंटेंशन की एनर्जी से आई कैन मूव अ नीडल। तो देन दे सेड कि ये तो योगी है, कुछ तो ट्रिक करेगा, ब्रेथ से ऐसा वैसा कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने एक नीडल रखा और उसको पूरा ग्लास का केस बना दिया, ऐसा कि कहीं से भी एयर एंटर हो ही नहीं सकती। देन ही जस्ट सैट इन फ्रंट ऑफ दैट नीडल और वो नीडल को सिर्फ देखते 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 उन्होंने वो ग्लास के केस में से नीडल को यहाँ से यहाँ तक, दैट एक्सपेरिमेंट वॉज रिकॉर्डेड एंड इट इज स्टिल कोटेड। सो इमेंस पावर ही हैड एट सम अदर टाइम आफ्टर ही बिकेम एनलाइटेंड, मोटर पावर, ही यूज्ड टू डू एनीथिंग, ही कुड टू प्लांटेशन, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, जो बोले वो, एंड योगासन, एनीथिंग, एंड ही वुड डू इट वेल। In his book, he has mentioned that once he was going somewhere, it was British government, and he was arrested. He was in the jail, and he met Jesus in the jail. And Jesus said, don't remember the exact words, that this will pass through. And then the next day or within a day or two, he was released and he could go. And for him, he could have just vanished and just found them. Yeah, but they don't do it. They can. One of the other great master whom we are going to meet now, we'll be going there, is Yogiraj Amar Jyoti. So his, nobody knows his age. There are some people who say that their grandfather and their grandfather and their grandfather have known him. Nobody knows what his age is. And photos are it's there in Swami Rama's book. In Swami Rama's book, ऐसा कहा जाता है कि शिरडी के साईं बाबा जो है उनका और योगीराज अमर ज्योति का इनिशिएशन मानसर बाबा जी ने साथ में किया था, क्रिया योग, वो उतना उनका एज है। उनको आप देखोगे तो 60-65 से ऊपर नहीं लगते। उनको पहली बार हम मिले थे, अभी हम चलो कहा सुनी में नहीं बिलीव करते, उनका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट इश्यू हुआ है 1905 में पासपोर्ट इश्यू हुआ है, समझोगे तब उनकी 20 साल की उम्र भी रही होगी, वो हिसाब से भी इज ऑलरेडी अबाउट 130 and that is a documented, beyond that we don't know. Photographs? Yeah. And he is again one person. आप उनके सामने जाके बैठो तो अपने आप स्पीच बंद हो जाएगा। Presence is so much that you get completely, your mind becomes silent. And he is again a person who can do anything. He can drive any car. He can just do. Sometimes we don't even know what mode of transport he uses. And suddenly he is up there from one place to another place. Can camera bhi itni achhi tarah se
गए थे तो बैठे थे, तो बैठे बैठे वो कैमरा से खेल रहे थे ऐसे, और खेलते खेलते ऐसे हमको पता नहीं चला, परफेक्टली सबका ऐसा उन्होंने कैप्चर किया फेशियल एक्सप्रेशन, जस्ट ब्यूटीफुल, सम ऑफ दोस फोटोग्राफ्स आर देयर, एंड देन ही शोड हमको कि ये देखो ये हमने ऐसे खेलते खेलते सबका एज अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, सबका हंसते हुए, सबका हंसते हुए, परफेक्ट स्माइल. Now she's, yeah, other one was, this is Sandra, now the child is 8 months old. They are all killed by him. Yeah. It's me. It was me. Zoom, no, it's AJ. मेरा अलग ही एक्सपीरियंस था उनके साथ. उनके साथ मुझे बिठा दिया तो जैसे कि बच्चा कैसे बाप के साथ करते, इससे मुझे कुछ डर भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा. उनके साथ मैं एकदम सहज थी और उनके सामने भजन भी गाए और बहुत कुछ हुआ उनके साथ. बहुत सारे चुटकुले सुनाए. उन्होंने कंटिन्यूस हंसे. और उनका ऐसा है कि वो ऐसे सिखाएंगे नहीं, चलो कश्मीर शैविज्म है तो ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे. उनका सिखाने का नहीं, जो मैसेज देना है वो स्टोरी स्टोरी के इसमें बताएंगे, और ऐसी स्टोरी रहेगी कि वो अपने आप समझेंगे. तो एक हमने सफाल में उनका बहुत पब्लिक प्रोग्राम अटेंड किया था, तो एक कहानी, एक बेटा फादर के साथ खेल रहा, मतलब सब बच्चे लोग खेल रहे, तो एक मैप था, उनको बताया कि वर्ल्ड का मैप है, इसको आप ठीक से, सब बच्चे लोग ट्राई कर रहे हैं, अरे ये कहाँ है, वो कॉन्टिनेंट ऐसा वैसा, किसी को जमी नहीं रहा. ये बच्चा आया ऐसे करके उसने कर दिया 2 मिनट में, तो मैप बन गया. हाउ डिड यू डू, आप लोगों ने किसी पीछे को देखा ही नहीं, पीछे ह्यूमन फिगर है, तो ह्यूमन फिगर है सब बराबर ये लगा दिया और वर्ल्ड मैप हो गया. तो मैसेज वो, आप आदमी को ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो, दुनिया अपने आप ही ठीक हो जाएगी. सच अ ब्यूटीफुल मैसेज. एक बार वो सिंगापुर गए थे, तो सिंगापुर में किसी के घर उतरे थे, तो वो व्यक्ति जिसके घर पे ठहरे थे उसको बहुत आदत थी ये अरेंजमेंट करना, वैसा करना, वैसा ऐसा, सब सब सिस्टम सिस्टम में इतना उसमें इन्वॉल्व रहता था. तो फिर बैठे बैठो इधर, एक कहानी सुना था, एक बंदर की कहानी, एक बंदरों का झुंड था. तो उन्होंने एक बार तय किया कि हम उपवास करते, फास्ट करते, बहुत खा लिया यहाँ वहाँ, पूरा दिन खाते रहते, एक दिन से उपवास करते हैं. फिर उन्होंने कहा भाई यार कभी किया ही नहीं है उपवास, जमेगा कि नहीं, फिर काम करते हैं, उपवास करते तो है, खाना वाना प्लेटफॉर्म पे सब लगा के रखते हैं, जैसे ही फास्ट खत्म हुआ कि खा लेंगे. अरे अभी ऐसा करते, थोड़ी और तैयारी करके रखते, डब्बे उब्बे खोल के सब बाहर निकालते. फिर थोड़ी देर के बाद और किसी ने बोला अरे चलो ऐसा करते कि यहाँ गाल में ही रख लेते हैं. इतना सब करते 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 बाद में भूल ही गए कि उन्होंने उपवास करने का प्लान किया. बोले हम ऐसे ये प्लान वो प्लान वो प्लान, और उसमें फिर भूल ही जा रहे कि अपना मेन पर्पस क्या है. वही नहीं करते हो, मेडिटेशन करने का पर्पस था, इतना प्लानिंग करते हैं बाद में भूल जाते क्योंकि माइंड इतना एक्टिव हो जाता है. तो ऐसे वो स्टोरी के रूप में
एकदम मैसेज आ रहा है, स्टोरी के जो भी मैसेज दिए वो ऐसे बिल्कुल बस जाते, फिर वो इट टचेस योर हार्ट, सो यू यू नेवर फॉरगेट दैट. फिर मेरा नाम का अर्थ क्या, आपके नाम का अर्थ क्या है, तो मैंने बोला हेम मतलब तो सोना, तो वो बोलते हैं कि तो कब तक सोई रहेगी. पूछा कहाँ रहते हो, मैं थाने. अरे थाने में क्यों, चोरी चपाटी. चिंतन का नाम पूछा, चिंतन किस सोच में लगा रहता है. सबके नाम पूछे, मेरे नाम नहीं पूछे, तो मैं सोच रही थी ये कुछ करने वाला है, पता नहीं. ही माइट हैव रेड माय माइंड. ही स्टार्टेड सिंगिंग इन व्हिच देयर वाज माय नेम. He started singing the bhajan in which my name was there. And I understood he is actually playing with us. Yes. And he told Chintan that ab soch raha hai bata, warna main hi bata dunga. Aur unhone bahut sare acche acche गाने लिखे, वो अपना तू प्यार का सागर है वो गाना, दैट इज रिटन बाय हिम. फिर ए मालिक तेरे बंदे हम, दैट इज आल्सो रिटन बाय हिम. देन देयर इज वन सॉन्ग, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है. एक्चुअली वो गंगा के सामने रहके उन्होंने गंगा के लिए डायपर पहना के तुम बच्चे को सुला दोगे, तो वैसे ही डायपर बना पहना के बच्चा तुमको सुला देगा जब बूढ़े हो जाओगे. जब बूढ़े हो जाओगे after we came first and then Guruma and Guruji came. So that time when Sandra was pregnant, Guruma asked me, "Tumne bula kya Babaji ko?" Maine bola, "Maine nahi bula, Sandra." So Sandra also was coming, interacting first time. She said, "How will I say that I am pregnant?" Uske baad usne bola ki, "Mummy, mujhe unko bolne ki zarurat padi kya?" डायपर की कहानी किसके लिए थी. यू नो दैट चाइल्ड वाज वेरी रिलक्टेंट टू फॉर दैट डायपर. एग्जैक्टली शी नेवर लाइक्ड डायपर्स इन द इनिशियल डेज. दूसरा एक, उन्होंने बहुत सारे जो हमारे ग्रुप में थे उनको छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बच्चों के बारे में, तो सेजल को दिया उसने पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ो. तो आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि तुम कभी घर में, घर गंदा होता है, धूल हो जाती है, तो उसको साफ कर देते हो. एक दो दिन का धूल जम गया, धूल झटक भी तो आसानी से हो जाता है. हफ्ते 10 दिन अगर घर बंद रहा तो थोड़ी और मुश्किल होती है. महीना भर, 2 महीना अगर घर बंद किया तो और उतनी ज्यादा मुश्किल. अगर 2 साल कोई घर बंद पड़ा रहे तो मिट्टी के थर के थर के थर जम जाते हैं, और फिर थर ऐसे जम जाते हैं कि फिर तुम उसको करने के लिए बहुत आसानी से झटक नहीं सकते हो, तो उसको तोड़ना पड़ता है. थर ऐसे जम जाएंगे, उसको तोड़ना पड़ता है. कहते हैं बच्चों का भी ऐसा है कि तुम जब उनमें कुछ रॉन्ग होता है या कुछ है, तो वो संस्कार जब बन रहे होते तब आप उसको जल्दी से हटा दो. फिर एक बार बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो मिट्टी के थर बन गए, फिर उसको तुम हटा नहीं सकते हो, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर वो बहुत मुश्किल होता है. और दूसरी बात उन्होंने बताई कि आजकल माँ बाप क्या करते हैं कि टाइम नहीं रहता है, बहुत अपने काम में रहते हैं, बिजी रहते हैं, पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों को समय या प्यार नहीं दे पाते, तो उनको चीजों से भरने लगते, ये ला के दो, वो ला के दो, ऐसा वैसा, जिससे वो होने, और फिर बच्चों को भी उतना ही कि माँ बाप से क्या लेना है, यही डिमांड है. और फिर हम उनको डांटते हैं, बताते ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसा है कि बच्चे आप जो कहते हैं उसको सुनते नहीं हैं, आप जो करते हो
उसको फॉलो करके, तो उनको बोलने से ज्यादा आप अपने आप में चेंज ला कर गिव दैट कंपनी एंड दैट वाइब्रेशन टू चिल्ड्रन, वो अपने आप सुधर जाए, तुमको कहने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दैट्स अबाउट हिमालयन मास्टर्स. एनीबडी एल्स हैव एनी एक्सपीरियंस एंड वांट टू शेयर अबाउट हिमालयन मास्टर? बहुत गुरु जी और गुरु माँ से बहुत सुना था योगी राज के बारे में, तो बहुत मिलने की इच्छा थी. तो जब गए यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दैट प्रेजेंस एंड दैट एनर्जी फील, कुछ बोलने को ये एकदम ड्राई हो, वो बेटी कैसी हो शब्द कर रहे हैं. फिर मैंने गुरु जी गुरु माँ से बहुत सुना था, मैं इनकी डिसाइपल हूँ, आपको मिलने की बहुत अच्छा. अच्छा हम तो पहले मिल चुके हैं. उनको अपने कहाँ जन्म क्या दिखते हैं हम कहाँ मिले होते कुछ बता दे. आई वो लाइक डम पर्सन आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम. Then he kept saying, यहाँ बैठो, मेरे राइट साइड में बैठो, कुछ रीजन होगा. मेरा बुद्धि नहीं चल रहा था कि ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैं ऐसे ही. By that experiences. Even the same after life, met him on in Sapala only. So we all three, me and Sarah and Rilsa, we all three went. We said we had. ऐसे जैसे Alpa ने बोला वैसे ही मैंने भी बोला. इतनी देर क्यों की? That was his question. कहाँ थे अब तक? I said 2012 में मैं गुरुजी से मिली, उसके बाद ही सब कुछ. अब ठीक है, आ गए हो ना, सब ठीक है. लास्ट फ्यू टाइम्स बिफोर द 31st July. The frequency. Okay. One more good news to share. हमारा भी गुरुजी का enlightenment day celebration जब हुआ, तो health bank has got a big recognition from Guruji and Guru Ma for this activity. We'll be in October. We'll be completing 1 year, and also health bank is going international now. This is being broadcast to Singapore, and very soon few other countries will also join us. And they are very happy with a way of, so to say, a way of connecting with people. They are going to adapt the same model in their respective countries. And whosoever cannot, they will connect to us on the broadcast. We will broadcast this program to many countries. So I think big clap for the health plan. We talked today and shared wisdom of Veda Bhartiji and his intention of everybody should feel love. So today we'll be doing opening of the heart chakra with 25 healing breaths, and then followed by meditation. Tushar will take us to the heights of the bliss that is singing bowls. Start with 7 times Anulom Vilom, Omkar, 3 times Omkar chanting, and then 25 healing breaths.
those who are new, I'll just show you first. 25 इनिंग ब्रेथ करते हैं ये अनाहत चक्र हार्ट चक्र पे लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड और पांच साइकिल पांच ब्रेथ थी तो एक साइकिल में चार ब्रेथ जो है वो फास्ट रहते हैं पांचवा ब्रेथ थोड़ा सा लंबा और पांचवा ब्रेथ छोड़ते हुए गले का फ्रिक्शन करते हुए उज्जाई करना है तो एक बार देख लेंगे कैसे करना है और हर ब्रेथ का जो रेशियो है इनहेलेशन थोड़ा सा ज्यादा एक्सहेलेशन कम और इनहेलेशन करते हुए पेट बाहर आना चाहिए एक्सहेलेशन करते हुए पेट अंदर दिस इज द वे यू ब्रीथ फॉर 3 काउंट ब्रीथ आउट फॉर 2 काउंट First we'll do 12 normal breaths for you. Then I will show you Kriya. Nabhi pe haath rakhna hai. Left hand uske upar right. Saans lene se pehle thoda sa halka pet daba ke saans chhodna hai. Okay? नाउ जो 25 हीलिंग ब्रेथ हम करेंगे पांच साइकिल है एक साइकिल में अभी देख लेंगे ताकि फिर बाद में अनुलोम विलोम के बाद हम इंस्ट्रक्शन में समय नहीं गवाएं 1 2 3 4 फिफ्थ ब्रेथ वन साइकिल लाइकवाइज वी डू 5 साइकिल कीप योर आईज ओपन and follow and keep the rhythm with everybody else start with 3 times on chanting take a deep breath से राइट नॉस्ट्रिल में लेफ्ट से पूरा सांस छोड़ देंगे इनहेल थ्रू लेफ्ट एक्सहेल थ्रू राइट इनहेल थ्रू राइट एक्सहेल थ्रू लेफ्ट इनहेल एक्सहेल इनहेल Exhale. Left से in, right से out, right से in, left से out. In, out, in, out. Breathe in, out. In from right, out from left. In from left, out from right. In from right, out from left. Last time.
identifying the deep breath on the heart chakra. Now to which? The center. Center of? Get ready. Start. 1, 2, 3, 4. Fifth breath. Second round. Fifth breath. Third round. Fifth breath. Fourth round. Fifth breath. Last round. Fifth breath. Chin mudra. Aankhe band. Kriya ke baad jo pran ka sanchar hota hai, us pran ka anubhav aur kuch kshanon ke liye saans lene ki इच्छा नहीं होती, इस स्थिति को कहते हैं सहज कुंभक। और फिर अपने आप शुरू होने वाली श्वास की ओर ध्यान। ध्यान का पहला चरण आनापान सति ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। पूरी तरह से अपने सांस के साथ जुड़ते हुए आती जाती श्वास को महसूस करें, अंदर जाती हुई श्वास के साथ बाहर की ठंडी हवा नाक को छूती हुई अंदर जा रही है, और हल्के से छाती और पेट का ऊपर उठना। और फिर यही हवा श्वास बन के जब बाहर आती है, पहले हल्के से छाती और पेट का अंदर जाना और अंदर की गर्म हवा का नाक को छूते हुए बाहर आना। सांस के हर एक पहलू को महसूस करें, पूरी तरह सांस के साथ जुड़े रहें, अंदर जाती हुई श्वास बाहर आती हुई श्वास, नाक के आजू बाजू आती जाती श्वास का स्पर्श, छाती और पेट का हल्के से बाहर आना और अंदर जाना। आप
अपना मन हर क्षण भूतकाल और भविष्य में भटकते रहता है और इसको वर्तमान में लाना है। जैसे ही मन सांस के साथ पूरी तरह से जुड़ गया, वर्तमान में आ गया। और इसीलिए सांस के साथ जुड़ने से तुरंत ही तनाव रहित अवस्था का अनुभव, ऊर्जा और आनंद का अनुभव। Be connected with your breath. Experience your breath in the body. Every second, just be connected with your breath. Experience the silence, the joy of the present moment.
Thank you.
to end this meditation session, eight times of chanting. के लिए ऊर्जा को अपने आप संभालेंगे। प्यास से चेहरे पे हाथ संभालेंगे, पहला हाथ चक्र पे हाथ रखते हुए I love myself and I love all and let everybody be loved.